हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं बिना पासवर्ड के। विदाउट पासवर्ड आप क्या कहते हैं वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, बहुत इजी होता है गाइस। एंड तो पहले हम मैं इसको फॉरगेट कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने कनेक्ट किया भी है नहीं। तो ये देख सकते हैं कि वाईफाई फॉरगेट हो चुका है, कोई सा भी वाईफाई कनेक्ट नहीं है। सो गाइस, आप बिना पासवर्ड के कैसे कनेक्ट करेंगे वो बताऊँगी। अगर इसमें ही पास वीवो का फ़ोन है फ्रेंड, सही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन ऐसे स्क्रॉल करना है, के बाद आपको उसको प्रेस करके रखना है वाईफाई को। अगर ऑफ है तो ऑन कर लेना। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखेगा कि इधर कोई सा भी कनेक्ट नहीं है। अगर इसका सो गाइस, कनेक्ट करने के लिए पहले आपको दो फ़ोन चाहिए होगा, तो दूसरा फ़ोन ले लेंगे गाइस। मेरे पास है दूसरा फ़ोन, मैं अभी दिखाती हूँ। सो गाइस, मेरे पास दूसरा फ़ोन, दूसरे फ़ोन का भी वाईफाई ऑन कर लेंगे और थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देती हूँ। सो गाइस, एंड देख सकते हैं कि इसका वाईफाई कनेक्ट है, तो इसका वाईफाई इसमें डालना चाहेंगे। सो गाइस, इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको वाईफाई क्यूआर कोड पे क्लिक करना है, जो अभी लॉक लगा के ओपन कर लेना। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है वाईफाई अब कनेक्ट करने के लिए आपको क्यूआर कोड की वजह से लेना होगा, बिना पासवर्ड की वजह से। तो स्कैन करने का ये रहा ऑप्शन, तो आप इस तरीके से स्कैन करोगे इस तरीके से, तो आपका जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं कि मेरे में वाईफाई जो है कनेक्ट हो चुका है। तो गाइस, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मतलब कि इसका हॉटस्पॉट वाला वाईफाई चाहिए कनेक्ट करना, तो उसका हॉटस्पॉट चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको इसके हॉटस्पॉट पे जाना होगा गाइस। एंड तो आप इसके सो गाइस, आप सेटिंग पे क्लिक करोगे इस फ़ोन का, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके हॉटस्पॉट पे क्लिक करोगे आप, सो गाइस, एंड यहाँ पे हॉटस्पॉट ऐसे दिख नहीं रहा मेरे को। सो गाइस, एंड इस पर क्लिक करेंगे सेटिंग पर, सेटिंग से हम देख लेते हैं। एंड इसके बाद आपको कनेक्शन शेयरिंग का ऑप्शन भी क्लिक करना होगा, फिर पर्सनल हॉटस्पॉट पे क्लिक करना, फिर इसे ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आपको और मतलब इस तरीके से ऑन कर लोगे, फिर आपको यहाँ दिखता है क्यूआर कोड। एंड इसका क्यूआर कोड अगर आप इसका इसमें स्कैन करते हैं उसके वाईफाई से, तो आपका जो है हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से आप इस फ़ोन का इसमें कनेक्ट कर सकते हो, इस फ़ोन का इसमें कर सकते हो। सो गाइस, एंड इस तरीके से जो है आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं बिना पासवर्ड डाले, बहुत ईजी होता है गाइस। इसी तरीके से आप भी करेंगे, वो भी एक सेकेंड के अंदर। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।